झुकी है, सांसें रुकी है, कोई हमें पुकारे। अनजानी राह थामे है बाहे, हम ही नहीं हमारे। तो गाइस आज मैं आया हूँ छलका पूल, और बहुत नाम सुना था इसका, इसलिए आज मैं नहाने के लिए आया हूँ। और आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि बहुत पे लोग नहा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए बाइक पे बैठे राजन भाई है, इसी के साथ हम आए हैं, और आफ्ताब है साथ में। तो अभी हम नहाने के लिए जा रहे हैं, तो गाइस करते हैं शुरू, अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर। तो जैसा कि जानते हैं, आज हम लोग आए हैं छलका पूल। इसका नाम तो मैंने बहुत सुना था गाइज, लेकिन आज फर्स्ट टाइम आके रियलाइज हो रहा है कि कितना अच्छा। तो गाइज मैं छोटे बच्चों के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा कि वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। पानी इतना गहरा तो नहीं है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है, जिसके कारण बच्चों को नुकसान हो सकता है। और मैंने सुना है कि पिछले साल 2 बच्चे की यहाँ पे पानी में मृत्यु हो चुका है। तो मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो यहाँ पे नहाने के लिए। तो गाइस मैं यहाँ के इतिहास के बारे में आपको बता दूं, ये 1986 में पुल का निर्माण हुआ था, जो आज तक वैसा ही है, थोड़ा सा खराब हो चुका है, बट अभी ये ऐसे ही चलने वाला है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वहाँ के ग्रामीणों से कि यहाँ पे इसको एक टूरिस्ट हब बनाया जाए और दुकानें खोली जाएं, क्योंकि गाइस आज मुझे जब प्यास लगी थी तो यहाँ पे कोई भी दुकान, एक पानी की भी दुकान नहीं है। यहाँ पे इतनी दुनिया आती है, यहाँ पे कमाने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है ग्रामीणों के पास। गाइज आप लोग भी बताइए, आप लोग कितनी बार छलका पूल आ चुके हो और यहाँ पे इतना सारा हमारे जैसे एंजॉय कर चुके हो। तो गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे लोग नहाने के लिए कम आते हैं, वीडियोस फोटोज लेने के लिए ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये एक सीमांचल के लोगों के लिए टूरिस्ट हब बन चुका है। लोग दूर दूर से, दूर दराज के गाँव से यहाँ पे आते हैं नहाने के लिए, फोटोज लेने के लिए, एक मेमोरी क्रिएट करने के लिए। मैं आपको सच बताऊं, अगर तो मेरा भी दिल नहीं भरा है गाइस, मुझे भी अगर नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा जब मैं वापस से अगर घर आऊंगा तो छलका पूल जरूर आऊंगा नहाने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का हो। तो गाइज ये है पानी, और यहाँ पे देखिए पूल के साथ में कितना पानी है। लोग यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पानी। तो गाइज हम लोग कहाँ पीछे रहने वाले थे वीडियोस और फोटोज लेने के लिए, तो हम लोग भी बहुत अच्छे से ले रहे हैं, तो आप सब आइए। गाइज आप देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है, कितने लोग यहाँ पे आए हुए, भीड़ लगी हुई है। ये देखिए इधर देखेंगे ना, लोग ही लोग नजर आएंगे, गाड़ियां, बाइक, ट्रैक्टर, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग भी यहाँ पे 3 लड़के आए हैं, छोटे बच्चे ना आए, बड़े बच्चे तो बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अभी लुंगी हाथ में पकड़ के रखे हैं, क्योंकि हमारे दोनों साथी नहा रहे हैं, और मुझे पूरा दिखाना था आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे हूँ। ये देखिए भीड़ देखिए कितनी है। लोग इस पूल के बारे में बहुत बोलते हैं कि ये डरावना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे लोग बाइक से पेट्रोल को ख़राब कर रहे हैं। ये देखिए लोगों की भीड़, हर इंसान अपने मोबाइल फ़ोन में एक छोटा सा वीडियो को कैप्चर करना चाहते हैं, इस मोमेंट को यादगार बनाना चाहते हैं। तो सेम हम लोग भी ऐसे ही हैं, इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए आज छलका पूल में आए हैं नहाने के लिए, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं गाइस। थोड़ा मैं और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ छलका पूल को, यहाँ से
बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ज्यादा पानी है और बहुत डरावना लगता है यहाँ पे। ये देखिए पानी ऊपर से आता है, यहाँ से पानी बह के नीचे की तरफ आता है और नीचे आके गाइस ये देखिए, ये देखिए इसका बहाव कितना खतरनाक है। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। ऐसी अपनी दोस्ती है सदोस्ताना।